वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नमस्ते मैं हूँ सोना शर्मा और स्वागत करती हूँ आप सभी का के ऑफिशियल चैनल पर। I hope आप सभी की प्रिपरेशन अब तो बहुत स्पीड में चल रही होगी क्योंकि आर आर का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं हमारी बिगनर टू प्रो सीरीज को और स्टार्ट करने से पहले वही रोज वाली बात भाई फिर से मैं बोलूंगी कि आपकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे तो कर ही लीजिएगा जिससे कि हमारा आने का पता आपको पहले ही चल जाएगा अंडर ट्वेंटी सेवन की ऐप ज़रूर रखिएगा इसमें फ्री के जो क्रिज़ेज़ आते हैं वो ज़रूर लगाइएगा वो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत प्रैक्टिस के लिए आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए ठीक है आगे देखते हैं हाँ टेलीग्राम पे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट स्कैन करके भी थ्रू थ्रू द स्कैनर भी पहुंच सकते हैं वहां तक या फिर सोना शर्मा रीजनिंग ऑफिस है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करेंगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा ठीक है हमारा ग्रुप मिल जाएगा हम्म मोस्ट थिंग भाई सबसे पहला आप क्या है हमारे सामने आरआरबी का एग्जाम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्री का एग्जाम आपका आरआरबी क्लर्क प्री का तो आ ही गया है पीओ का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा तो क्लर्क प्री जो है आपका सात अगस्त से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आपके लिए हमने इसी वजह से एक बैच ला दिया शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन बैच ये आपके जो 20 दिन बचे हैं ना इसमें आपको फुल रिवीजन करा देगी 300 से 300 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको दूंगी यहाँ पे और यहाँ पे मैथ्स में भी आपको 300 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे हम प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं और प्रैक्टिस के थ्रू ही हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा मतलब मेन मोटिव इसका यही है कि हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा कूपन कोड लगा लीजिएगा वाई चार सौ चालीस मिल जाएगा, 78 का और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप आ चुके हैं इस बैच में ठीक है ये बैच और सभी बैचेस क्लर्क क्लर्क हो आ, आई आ, आपके आने वाले जो एग्जाम्स जैसे कि SBI का सुनने में आ रहा है कि आने वाला है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन तो एस बी आई क्लर्क हर बैच आपको कहा मिल जाएगी बैंक महापैक में मिल जाती है तो मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि ये सभी बैचेस आपको ये और सभी बैचेस ठीक है कहा मिल जाती है बैंक महापैक में यहाँ पे प्री इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है साथ ही साथ आपको यहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाती है चार हजार से ऊपर ठीक बाई रहता है कुबॉन कोड हमेशा की तरह वाई चार सौ चालीस तो आपको सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा चलिए आगे चलते हैं एक बात और आ, ये यहाँ पे एक और मैं बात ऐड करूँगी आज ही से शुरू हुई है ये बैच एंड इस पर इतना ज़्यादा भरोसा दिखाने के लिए क्योंकि ये लास्ट बैच है बीस दिन पहले आई है तो आई मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि इससे आपको कितनी एक्सपेक्टेशन होगी और आपसे ज़्यादा मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे है आपसे डबल एक्सपेक्टेशन इस बैच से मुझे बहुत सारे सिलेक्शन चाहिए और इससे पहले जो हमारी बैच एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुई थी आर और कड़क की उससे भी मुझे बहुत सारे सिलेक्शन से चाहिए ही चाहिए ठीक चलिए फिर आगे चलते हैं और इसका रेट भी हमने कम करा दिया है भाई पाँच एप्रोक्स अप्रोक्स की ये करा दी है हमने तो एक बार दो बार भी नहीं सोचना है आप इसे ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं आपसे आपको कराने वाली हूँ ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस ठीक चलिए आगे अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑब्वियसली बात है टेस्ट देना है सिक्सटी मॉक रूल मैंने आप सभी को बताया उसे तीन पार्ट्स में बाइफक के मतलब कि तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और ट्वेंटी 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 पहले ट्वेंटी के पीछे भागिए फिर ट्वेंटी के पीछे भाग्य और फिर ट्वेंटी के पीछे भागी इसका वर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझिए कई बच्चों से आप आगे चले जाएंगे और यहाँ पे आर आर बी क्लक की टेस्ट सीरीज़ भी आप एनरोल मतलब कि ले सकते हैं और मैं ये रिकमेंड करूंगी बैंक प्राइम ले लो क्योंकि इसमें मिल जाएगी आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज हर एक एग्जाम की तो सारी लगा लो ना जो जो मिल रही है उसे लगाते जाइए रीजनिंग लगाइए सभी टेस्ट की और टेस्ट सीरीज या बुक्स लेने के लिए आप वाई चार सौ चालीस के आगे एस लगा देंगे तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा पहला, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज हम करने क्या वाले हैं तो आज होने वाला है न्यूमेरिक सीरीज की स्टार्टिंग ठीक अब एल्फानमेरिक सीरीज में अल्फानमेरिक सीरीज़ अगर बताया देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइप्स बताने की कोई चीज़ नहीं है देखिए मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ में आ, 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 स्टार्ट करूँगी बिगिनर टू प्रो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फानुमेरिक सीरीज़ हमने इससे पहले से लॉग और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी सारे टाइप्स करे क्वेश्चंस करे कॉन्सेप्ट सीखे नाउ इट्स द टाइम हम अल्फानुमेरिक सीरीज़ करें अल्फानुमेरिक सीरीज़ में सबसे पहली बात अगर हम देखें तो कितने टाइप्स होंगे मेजरली अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा सबसे पहला टाइप होगा आपका अल्फ़ा नूमेरिक सीरीज तो होगी और इसमें सिंबल्स भी ऐड होंगे मतलब कि अल्फ़ाबेट नंबर्स प्लस सिंबल्स भी होंगे इसमें ये बहुत पॉपुलर है ये बहुत आती है एग्जाम में ठीक है इसके बाद अगर पीओ वाले एग्जाम में देखा जाए तो वो यहाँ पे आजकल क्या देने वाले लगे हैं वर्ड बेस्ड सीरीज शब्दों पर आधारित सीरीज या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लेटर बेस्ड सीरीज दे दे जैसे ये पहली पजल पहली पजल ही निकलता है मुझसे पहली सीरीज है ठीक है ये लेटर बेस्ड सीरीज है या फिर आप बोलती है अल्फाबेट बेस्ड सीरीज ठीक है लेटर बेस्ड सीरीज ठीक है मैं इन्हें एक ही टाइप में रखूंगी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको और तीसरा अगर देखा जाए एक होती है नंबर बेस्ड सीरीज नंबर बेस्ड सीरीज इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं हो सकता है डिजिट पे बेस्ड सीरीज आ जाए डिजिट पे बेस्ड सीरीज आ जाए ठीक डिजिट बेस्ड बस कॉमनली ये ही तीन टाइप्स देखे जाते हैं अब ये मैं कर रही हूँ प्री की बात जब हम मेंस की भी करेंगे तैयारी तो हम भाई सब चीज़ की कर रहे हैं यहाँ पे तो पहले हम इसे कवर करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेंस के लिए हम क्या क्या चाहिए अल्फनमेक सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे कि न्यू पैटर्न आजकल क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन दे देंगे ऊपर सीरीज दे देंगे और फिर उसमें तीन या चार स्टेप्स लगाने को कहेंगे और फिर बोलेंगे अच्छा बताइए लास्ट स्टेप में ये कहाँ से कहाँ है ये सब मैं आपको दिखाऊंगी तब समझ में आएगा अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे देना भी शुरू कर दिया है आंसर वेल डन वेरी गुड पर यहाँ पे मेरा काम है उन सभी स्टूडेंट्स को भी लेके चलना जो बिल्कुल बिगिनर हैं मतलब बिगिनर से बिगिनर्स जो हैं उन्हें भी प्रो बनाना है जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है या फिर जिनके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है अब देखिए कुछ चीज़ें यहां पे मैं हर एक क्वेश्चन के लिए कोई आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाली हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैं उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी उस तरीके से उस तरीके से आपको जल्दी आ, समझ में आएंगी चीजें और बैठ जाएंगी दिमाग में ठीक है अगर मैं कॉन्सेप्ट विदाउट सीरीज बता दूं तो फिर वो समझ में नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन में देखते हैं देखिएगा कौन सा लेटर इलेवेंथ है टू द लेफ्ट ऑफ सिक्सटीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्या करेंगे आप बोलेंगे अच्छा ढूंढिए पहले हैंड से और उसके लेफ्ट में इलेवेंथ लेटर कौन है कैसे करेंगे आप बोलेंगे चलो 16th count करो सी आ गया मैम अब मैं इलेवेंथ जाऊंगा पीछे इसके लेफ्ट में बोला है ना लेफ्ट एंड ये क्या होता है हमारा ये होता है हमारा लेफ्ट एंड और ये क्या होता है राइट right एंड हमेशा दाया छोर छोर ठीक लेफ्ट हैंड से चलने को बोला है उसने लेफ्ट हैंड से चलने को बोला है उसने तो यहां से पहले कितना गए गए और फिर इसके लेफ्ट इसका लेफ्ट इधर आएगा मतलब ग्यारह और चलना पड़ेगा इतना टाइम है क्या क्यों करें ये हम बेसिक नहीं नहीं करेंगे हम क्या करेंगे तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में दिया हो या फिर अगर आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा माइंड लगाएंगे रीजनिंग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा यार मैंने किया क्या मैं पहले लेफ्ट से चला और फिर लेफ्ट में चला गया मतलब मैं पहले सीधा सीधा चल रहा था फिर उल्टा चल गया मतलब मैंने माइनस कर देना चाहिए मतलब मैं जहां पर भी इधर 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 कहीं भी जहां पर भी पहुंचूंगा मुझे इन पूरे में से उतने लेटर्स माइनस कर देने होंगे और मैं पहुंच जाऊंगा यही तो हुआ था तो अब देखिए इसकी ट्रिक आपको याद करने की क्या होगी जब भी आपको लेफ्ट के साथ लेफ्ट एंड मिल जाए मतलब लेफ्ट लिखा हो और इसके साथ आपको लेफ्ट एंड भी मिल जाए तो इन दोनों के साथ जो भी नंबर दिया होगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब ये देखिए यहाँ पे 16 दिया है और यहाँ पे इलेवन दिया है तो क्या करेंगे आप डिफरेंस कर देंगे और यू कैन से घटा देंगे इनके साथ जो भी जुड़ी हुई नंबर है या डिजिट है ठीक क्या करेंगे यहाँ पे सिक्सटीन माइनस इलेवन ठीक इसी इससे माइनस कर देंगे सिक्सटीन माइनस इलेवन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आया फाइव ठीक अब अब आ गया फिफ्थ नंबर को हम देखेंगे कौन से छोर से कौन से एंड से कौन सा एंड दिया था लेफ्ट एंड दिया था लेफ्ट एंड दिया था तो लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट देख लीजिए पक्का यही आंसर होगा सी क्या होगा एक दो तीन चार पाँच ये लो सभी का यू आ रहा था लो यू आ गया समझ में आई समझ में आई बात क्या हुआ इसमें अरे लेफ्ट से जब लेफ्ट गए मतलब कि जब एंड और जो दे रखी है लेफ्ट के साथ लेफ्ट दे दिया जाए मतलब माइनस हो जाएगा पर एक बात बताओ अगर राइट के साथ राइट दे देते मतलब राइट एंड से राइट बोल देते दे, तो क्या होता तो भी माइनस होता मतलब अगर यहाँ पे आपको राइट दे देते दे दे और यहां पे राइट एंड दे देते दे दे दे, दाया छोड़ दे देते दे दे तो भी माइनस होता जी क्या करते इसमें भी आप माइनस ही करते क्योंकि क्या करते राइट राइट एंड से से चलते और और फिर फिर जाते मतलब पहले गए उसमें घटा दिए ठीक समझ में आई हमेशा ये ट्रिक याद करोगे अगर ये चीज बदल दी जाए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का आपके हर प्री में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है एक एक मिलेगा यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम्म hmm. यस yes, नुपुर कह रही है डिफरेंट डायरेक्शन में ऐड करते हैं मैम पेड बैचेस में कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ाया जाता है क्या हाँ जी पढ़ाया जाता है और आपको नीरज सर की फ़ोटो भी दिखती होगी साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेशन आजकल मांग रहे हैं आप सभी को पता है तो अगर आप नहीं हैं आपके पास तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ने कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का कोर्स स्टार्ट किया है उसमें ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा कूपन कोड लगा लीजिएगा वाई 440, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा सेवेंटी का और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा दैट आप उसमें है। मतलब आप हैं ठीक मतलब आपके आप सर्टिफाइड हैं वेरी गुड वेरी गुड कौन सा लेटर आठवा है टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड अब देखो यहां पे क्या हुआ यहां पे आई चेंजेस अब ये है कॉन्सेप्ट नंबर टू यहां पे इन्होंने बोला लेफ्ट एंड से तीसरा के राइट में आठवा मतलब पहले तीन गए और फिर इसका राइट इधर होगा तो यहां पे आठ जाएंगे मतलब क्या हुआ एड हुआ तो क्या हो रहा है जब भी आपको राइट के साथ लेफ्ट एंड मिलेगा राइट के साथ लेफ्ट एंड मिलेगा या फिर लेफ्ट लेफ के साथ राइट एंड मिलेगा तो क्या हो जाएगा भाई एडिशन हो जाएगा डिफरेंट मिलेंगे ऑपोजिट बोलते ना ऑपोजिट अट्रैक्ट तो फिर तो वो जैसे ट्रेन में होता है अपोजिट जा रही होती है तो प्लस हो जाता है है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये दोनों में ही यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा इनके बीच में ये प्लस हो जाएगा एडिशन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या है आठ और यहाँ पे है तीन मतलब कि एट प्लस थ्री हो जाएगा क्या आया इलेवन 11. अब इलेवेंथ एलिमेंट कहाँ से देखेंगे 11th एलिमेंट हम देखेंगे कौन सा एंड है लेफ्ट एंड से तो लेफ्ट एंड से इलेवेंथ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन यहाँ पे है एफ और एफ हो गया ऑप्शन वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट और यहां पे हम हो गए फाइव हंड्रेड पार तो वेरी गुड सबसे पहली बात तो यहां पे जो भी स्टूडेंट्स मेरी ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं एक बात याद रखिएगा लोग बस प्री के पीछे भाग रहे हैं यहां पे बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि मैं भी कई बार बता चुकी हूं और यहां पर मैं उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो भी पता चलता है क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बस प्री से हमें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि प्री के तो मार्क्स भी एड नहीं होते हमारे मेरिट लिस्ट में मैरिट कैसे कैसे बनती है हमारा सिलेक्शन हमारी जॉब कैसे लगती है उस मेंस से लगती है उस मेंस के लिए हमें क्या चाहिए हर एक टाइप चाहिए और उसका डीप कॉन्सेप्ट चाहिए इसलिए यहाँ पे हर एक टाइप और उसका डीप कॉन्सेप्ट बताया जाता है यहाँ पे प्री की भी तैयारी होगी पहले और फिर मेंस की भी चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया एट प्लस थ्री और इलेवेंथ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड हमारा एफ आ गया नेक्स्ट नहीं मेंस में नहीं आएगा अभी ये प्री लेवल के क्वेश्चंस है ठीक है यहाँ पे जो पार्ट टू होगा उसमें मैं प्री लेवल के लूँगी और पार्ट थ्री में हम सारे क्वेश्चन के करेंगे है ना हम बिगिनिंग से प्रो लेवल तक जाएंगे अब ये अलग टाइप का है ये तीसरा कॉन्सेप्ट होगा आपका हाउ मेनी वर्वल्स आर इमीडिएटली अ बायसोनेट ऐसे कितने ना वर्वल्स तो वर्वल को ना आप अपने शीट पे बना लोगे क्या से डिनोट कर देना हमेशा की तरह एक ही चीज रखना ऐसे कितने वर्बल्स है एकदम पीछे अब ये देखो इमीजिएटली फॉलोड और इमीजिएटली प्रेसीडेड होता क्या है यहां से आती है ये दो बातें जो बार बार आपको देखने को मिलेगी प्रेसीडेड और फॉलोड जब अब बुरा मत मानना जो हम बोलते हैं ना फॉलोअर हैं हम इनके फॉलोअर हैं होता है ट्विटर में आ, इंस्टा पे हम इनके फॉलोअर हैं क्या पीछे 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 ठीक मतलब 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 किसी भी नंबर के पीछे क्या होता है उसका फॉलोअर होता है अब देखो यहाँ पे इमेजिएटली आपको वो देगा ये दो चीजें बार बार देखने को मिलेगी इमेजिएटली प्रोसीडेड बाय एंड इमेजिएटली फॉलोड बाय एक चीज बताऊंगी कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये three. ये टू जो है ना ये इसके आगे जो है ये ये है इमेजिएटली प्राय मतलब उससे पहले वाला इमेजिएटली प्रसीडेड बाय वन मतलब टू इज Immediately preceded by one and two is two का पीछे कौन आ रहा है पीछा कौन कर रहा है Immediately followed by three तो two immediately follow कर रहा है three को ठीक है two is immediately followed by three और ये one जैसे कि A B C है तो B is immediately preceded by A and immediately followed by C ठीक चलिए आगे ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट अब आगे देखिए यहाँ पे बोलते है, कितने वॉवल्स हैं तो यहाँ पे हम रफ शीट पे लिखेंगे वोवल जो इमेजिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट इनके जस्ट बाद आता है कॉन्सोनेंट एंड इमेजिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट और इनके जस्ट पहले भी कॉन्सोनेंट आता है अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी ईजी रहेगी हम बोलेंगे भाई कुल गिनती के पांच ही तो वॉवल होते हैं अगर पांच वावल होते हैं तो वॉवल से ही स्टार्ट करते हैं चलिए हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं पहले वावल पकड़ते हैं और फिर उसके आगे पीछे क्या देखते हैं कि वो किसको फॉलो और प्रोसीड कर रहा है आइएगा वोवल कहाँ है एक तो ये है इसके आगे और पीछे दोनों जगह क्या है कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा सही ये एक तो ये मिल गया ये वोवल आगे पीछे कॉन्सोनेंट ये मिल गया वोवल ढूंढो वोवल ढूंढो वोवल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट ये भी मिल गया फिर वोवल ढूंढिए आगे पीछे कॉन्सोनेंट मिल गया फिर ढूंढिए वॉवल आगे पीछे कॉन्सोनेंट ये भी मिल गया और कोई नहीं है तो यहां पे इन्होंने सारे ही दे दिए ए ई ओ यू पांच के पांच दे दिए तो कितने हुए पांच हुए तो आंसर क्या हुआ ओनली टू नेक्स्ट मतलब कि आ, सेकेंड ऑप्शन देखिए एक्चुअली यहां पे ये है फाउंडेशन ये प्रीमियम बैच है यहाँ पे हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने एक भी नहीं रहना चाहिए किसी का भी जो फास्ट जो होता है मॉक टेस्ट वो मैं करता, कराती हूँ दोपहर एक बजे आप उसे जरूर ज्वाइन किया कीजिए आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ प्री के लिए मैं वहां पे कराती हूँ मॉक टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वहां पे हमारी स्पीड रहती है फास्ट मेरी भी और आपकी भी यहाँ पे हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट ठीक है तो हर एक चीज समझ में आनी चाहिए और बाद में जो स्टूडेंट्स देखते हैं उन्हें भी चाहिए चलिए जल्दी से करेंगे एक बार हाँ यदि हम डिलीट कर दें सभी वोवल को इस गिवन सीरीज में तो फाइंड करिए कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली बीच में आता है न्यू अरेंजमेंट के ठीक है जल्दी से बताइएगा बेहतरीन वेरी गुड वेरी गुड गाइस हम्म कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। पर यहां पे आपको हर टाइप पता चल जाएंगे हर एक टाइप पे आप क्वेश्चन कर लेंगे फिर आप डायरेक्ट टेस्ट लगाइए ठीक है कोई भी टाइप नहीं छूटेगा देखा जाए चलो डिलीट करने है वॉवल को फिर कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली बीच में होगा एक न्यू अरेंजमेंट में वॉवल को डिलीट करिए तो ये आप क्या करेंगे वहां पे पेन चलाएंगे ऐसे ना ना बिल्कुल नहीं क्या करेंगे आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी मैं बार बार कह रही हूँ ये क्वेश्चन के लिए एक बार भी पेन उठाने की जरूरत नहीं होती बस एक दो क्वेश्चन में ये जो होता है ना ये वाला इसमें भी मैं क्यों कहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बार बार क्वेश्चन पढ़े आप इतने प्रेशर में होते हैं उस टाइम अगर आप स्किप कर गए कि जस्ट पीछे वाला तो याद है पर उसके जस्ट प्रेसिडेड बाय क्या था तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर जाएंगे बाबा क्वेश्चन रीड करने में इसलिए अपनी रफशीट पे ही उतारा और डायरेक्ट सीरीज को देखा बस सीरीज देखी एक बार ये देख लिया सीरीज देखी एक बार ये देख लिया बस दैट इज़ इट बट उसके अलावा ये सब चीज़ों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे 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 अपना वो स्क्रीन खराब करके मत आना वहाँ पे क्या करेंगे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि जब आप इग्नोर कर देंगे इसे आप उसे इग्नोर करते हुए काउंट कर रहे होंगे काउंट कैसे करेंगे हाथ लगा के करेंगे कभी नहीं करेंगे काउंटिंग करने की भी आप ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सीख भी चुके हैं जैसे मैं बता रही हूँ आपको काउंटिंग भी ऐसे करनी होती है वहाँ पे कि ना ही आप पेन यूज़ कर रहे होते हैं ना ही बड़बड़ा रहे होते हैं और डायरेक्ट आप चल रहे होते हैं ऐसे ऐसे समझ रहे हैं आप हाँ तो आपको बस आँखों से करना है सब यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ पेन से जैसे यहाँ पर ये यह वॉवल है वॉवल हटा देंगे वे वॉवल हट गया यहाँ पर आगे चले ये वॉवल आ गया तो यहाँ पर ये यह वॉवल आ गया ये वॉवल आ गया और कोई वॉवल नहीं है ठीक है चलिए अब बीच में कौन होगा तो सभी बता रहे हैं एक्स है लेटेस्ट सी यहाँ पे हो गया ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये दस हो गए और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये भी दस हो गए तो ये एक्स आ गया आंसर बिल्कुल सही है वेरी गुड नेक्स्ट ओनली आईज यस गगन और भाई जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है आरआरबी पीओ और क्लक के प्री की जो फाउंडेशन हमने स्टार्ट करी थी 26 मई से उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं तो कल सुबह जो भी उस बैच में है कल सुबह सात बजे मैंने क्लास रखी है एक्स्ट्रा क्लास है ये ज़रूर आइएगा मैं पज़ल्स कराऊंगी ठीक है आज करवाना चाहती थी बट बिकॉज़ uh, इस सेशन के वो बाद होती तो वो हाफ़ एन आवर का रहता बस तो वो फिर नहीं हो पाता और 12 बजे के बाद तो फिर आपको नींद भी आने लगती तो इसलिए साढ़े ग्यारह बजे नहीं रखवाया मैं साढ़े ग्यारह बजे रखवाना चाह रही थी तो सुबह कर लेंगे सुबह सात बजे सभी को उठना है चलिए आगे चलते हैं चलिए अब ये है आपका वर्ड बेस्ड सीरीज ठीक है अब देखिए मैं जो आपको ट्रिक बताई है कि भाई आपको वॉवल्स को खुद इग्नोर करना है आंखों से आपको पेन नहीं यूज करना है अब मैं वो आपको कैसे समझाऊंगी क्या मैं ऐसे यहां पे खड़े होकर ऐसे करूं कि हाँ भाई यहाँ पे मैं इग्नोर कर रही हूं आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे आईज कहां जा रही है मैं क्या क्या कर रही हूँ उसमें नहीं पता चलेगा ना इसलिए वो शो करने के लिए आई हैव टू यूज दैट पेन एंड अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी करें तो एक सेशन वैसा भी ले, ले लेंगे जिसमें हम लोग कैसे कर रहे होंगे विदाउट पेन कर रहे होंगे ठीक है चलिए हैट 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 ओके 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 जब पहला और दूसरा लेटर हर एक वर्ड का इंटरचेंज कर दिया जाएगा पहला और दूसरा लेटर हर एक वर्ड का इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया जाएगा इन दोनों को इंटरचेंज ये सभी इंटरचेंज हो जाएंगे अगर तो एक बात बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे तो क्या करना है ये बन जाएगा एच एस ई कोई वर्ड नहीं है ये बन जाएगा ई पी आर कोई वर्ड नहीं है ई टी एन कोई वर्ड नहीं है जी एच ए टी हैट हो गया और ये ए सी पी ये ए सी पी तो याद आ गया मुझे सी आई डी है ना <laughs> पर ये भी कोई वर्ड नहीं है एक अप नहीं है तो आंसर हो जाएगा हैट मतलब एक ही बना है नेक्स्ट नहीं गुरविंदर जी यूट्यूब पर नहीं है वो बैच में ही होगा जल्दी से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी यदि हर एक कॉन्सोनेंट को चेंज कर दिया जाए प्रीवियस लेटर में प्रीवियस लेटर मतलब बी का प्रीवियस लेटर ए हुआ ठीक कॉन्सोनेंट को उसके आगे वाले लेटर जो जस्ट आगे होता है उसमें चेंज कर दिया जाए इन अल्फाबेटिकल सीरीज एंड क्स्ट लेटर हर एक वर्वल को उसके बाद वाले लेटर में चेंज कर दिया जाए ठीक है Then how many words contain at least one vowel? क्या बोला है? कम से कम एक वॉवल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो तो हम क्या ढूंढेंगे कम से कम एक बोला है ना तो लोग हम एक ही देखेंगे एक वॉवल भी दिख जाएगा तो बन गया फिर उसके दो और जो बचे हुए एक्शन होंगे उसको नहीं जज करेंगे ठीक आइए इधर एक बात और एक बात बताओ क्या इसमें मुझे आ, कोई भी वॉवेल के वॉवेल को करने की जरूरत है वॉवेल के जस्ट पीछे अरे कभी भी वॉवेल आएगा वॉवेल के जस्ट पीछे ए ई आई ओ यू के आगे पीछे वॉवेल होते हैं एडजेसेंट होते हैं नहीं होते ना तो क्या करेंगे वॉवेल को तो छोड़ ही देंगे भाई वो हमेशा कॉन्सोनेंट ही बन जाएगा अब देखिए कैसे यहां पे ये दोनों है कॉन्सोनेंट ये वॉवल तो कॉन्सोनेंट बन जाएगा ये तो वॉवल देगा नहीं हमें हमें तो ढूंढना है वॉवल बस एक वॉवल मिल जाए बन गया हमारा काम अब देखो ये कॉन्सोनेंट का क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट से पहले वाला आ रहा है यहां पे आर आ जाएगा यहाँ पे जी आ जाएगा और इसको छोड़ो यहाँ पे भी कोई कॉन्सोनेंट आएगा कोई वॉवल मिला नहीं मिला तो यहां से नहीं मिला यहां पे देखिए इसका तो भाई कॉन्सोनेंट ही बनेगा जो भी बनेगा इसको हम वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है पी और आर को देखिए पी के जस्ट आगे क्या आता है ओ और आर के जस्ट आगे क्या आता है क्यू यहां पर मिल गया ना बस इसे भी देखने की जरूरत नहीं थी ये आ गया मतलब एक पे आ, ये एक बन गया इधर आइए इसको तो हटाइए वॉवल को तो देखिए ही मत टी टी के जस्ट पहले क्या आता है एस एन एन से जस्ट पहले क्या आता है एम नहीं मिला वॉवल नहीं बना ए ए को तो देखेंगे ही नहीं ये वॉवल है वॉवल से कभी भी आपको वॉवल मिलेगा ही नहीं आगे पीछे कर लो कुछ भी एच एच से जस्ट पहले क्या होता है जी टी से जस्ट पहले होता है एस यहाँ पे भी नहीं मिला यहाँ पे सी सी से जस्ट पहले होता है बी ए को देखेंगे ही नहीं और पी से जस्ट पहले क्या होता है ओ तो ये तो बन गया कितने बने दो बने दो ही बने सभी के वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो गए हम और यहाँ हो गए हम सात सौ पार वेल डन वेल डन ये सभी क्वेश्चंस आपके आर आर बी क्लर्क प्री में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ पे आपका हर टाइप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आर आरबी पी ओ प्री हो आई बी पी एस क्लर्क प्री हो या आने वाला कोई भी प्री एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेंस के क्वेश्चन हम आगे प्रो लेवल के क्वेश्चन में कराएंगे Hmm. यदि वर्ड्स को अरेंज कर दिया जाए शब्दों को अरेंज कर दिया जाए इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट ठीक है पूरे वर्ड्स को उठा के बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये बोल रहे पूरे वर्ड्स को अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाए देन विच वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड पूरा करने की जरूरत है पेन उठाने की जरूरत है नहीं जरूरत है कौन सा होगा राइट से सेकेंड हैंड सब फोर बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं लेटेस्ट सी तो देखिएगा यहाँ पे देखिए अब ये वर्ड हैं, कौन सा वर्ड छोटा होगा कौन सा बड़ा वो उसका सबसे पहला अक्षर बताता है इसका सबसे पहला अक्षर एस है पी है इसका टी ए और सी अब एक बार बताइए उसने पूछा क्या है चलो पहले इस पे ही बात कर लो सबसे छोटा कौन होगा भाई ये वाला वर्ड होगा अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इससे बड़ा कौन सा होगा तो ए के बाद आगे आपका सी कैप होगा ठीक हमें फाइंड क्या करना है अब हम ये काम करेंगे वहां पे लिखेंगे कि पहले हमने ए एस टी लिखा फिर कैप लिखा रफ शीट पे ये कर रहे होंगे और बच्चे लगा लगा के आगे उसमें मैथ्स पे चले गए होंगे ठीक है नहीं ऐसे नहीं करेंगे देखिए क्या करेंगे हम यदि वर्ड्स को हमें इंग्लिश डिक्शनरी uh, के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है लास्ट में इन्होंने बोला है बताइए सेकंड फ्रॉम द राइट एंड क्या हुआ जब हम इसे लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे तो हर एक शब्द असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि अगर पीछे से देखा जाए तो सबसे बड़ा शब्द सबसे पीछे या उससे छोटा उसके आगे लास्ट से मतलब कि राइट right से हमें चाहिए दूसरा ये वाला ठीक यहाँ पे किसे बिठाएंगे बताइएगा इस यहाँ पे किसे बिठाएंगे यहाँ पे हम किसे बिठाएंगे जे जो शब्द सबसे बड़ा होगा वो बैठेगा बिल्कुल राइट एंड पे सबसे बड़ा शब्द कौन सा एस बड़ा की टी बड़ा की पी ए तो हम बोलेंगे भाई टी बड़ा मतलब टेन आ जाएगा लास्ट में बिल्कुल और उससे जस्ट पहले क्या आएगा हमारा उससे जस्ट पहले आ जाएगा एस मतलब कि शी तो आंसर क्या हो जाएगा शी हो जाएगा शी कितनों का था शी कितनों का था कुछ लोगों ने ए क्यों लिखा पर 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 क्यों लिखा पर नहीं होगा हाँ चलिए समझ में आ रहा है आई होप सभी चीज़ क्लियर होती जा रही होगी सेम क्वेश्चन आया हुआ है मतलब कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ये वर्ड्स चेंज थे पर इस तरीके से उन्होंने वो ही ये क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली exactly सेम था ठीक है आईबीपीएस पूछ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कपिल कह रहे हैं मैम आप बहुत पढ़ाती हो थैंक यू वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे हैं पेड कोर्स में और ये वाले जो कोर्स में है मैं पेड कोर्स में भी अपना 100 परसेंट देती हूँ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपना 100 परसेंट देती हूँ ठीक है बट वहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है हमारे पास लिमिटेड ऑडियंस होती है हमें आपका नाम जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ नाम पता है uh, काफ़ी पेड वाले स्टूडेंट्स भी फॉलो तो करते ही हमें यहाँ पर भी आ जाते हैं और uh, प्रजेंट दिखाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर कि मैम हम पढ़ रहे हैं अच्छा लगता है तो वहाँ पर क्या डिफरेंस है वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पे हमें हर एक पे ध्यान देना होता है जो हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है और वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही ही है और वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं और हम वो कंटेंट भी वो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जैसे मेंस लेवल का कुछ होता है आ, यहाँ पे आप घबरा जाएंगे अगर मैंने वो दिखा दिया पर वहाँ पे हमें एक वो मिलता है कि हाँ अब हमें आ, ये वाला कंटेंट भी हमें दिखाना चाहिए ठीक है तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हैट 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 वेरी गुड वेल डन गाइस यदि हर एक अक्षर को हर एक वर्ड में अरेंज कर दिया जाए अरे बाप रे इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला पूरा जो वर्ड है ना उसे तुम अरेंज करो हर एक लेटर को अरेंज करो उस शब्द में बहुत अच्छे से देखना इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड हर एक शब्द में हर एक लेटर को अरेंज कर दे किस में? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट और फिर उसके बाद एक और चीज़ की इन्होंने क्या की इन्होंने पहले और दूसरे लेटर को इंटरचेंज कर दिया ठीक मतलब पहले वो निकालो फिर इंटरचेंज भी करो और फिर इन्होंने बोला देन हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म अरे इन्होंने शब्दार्थ पूछ लिया कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे तो अब तो हमें पूरा बनाना पड़ेगा चलिए देखिए कैसे बनाते हैं ये क्या हो जाएगा पहला स्टेप तो हमें भाई इसमें यही करना है कि इसे छोटे से बड़े क्रम में विद इन वर्ड वर्ड के अंतर्गत ही रख के चलना है ठीक है सबसे छोटा कौन भाई ई एफ जी एच ई पहले आ जाएगा एच एस ये आ गया इसमें अगर देखा जाए तो ई पी आर यहां पे अगर देखा जाए तो ई एन टी यहां पे सबसे पहले ए ही रहेगा फिर एच ही रहेगा फिर टी ही रहेगा इसमें क्या हो जाएगा ए सी पी ए सी पी बहुत मुझे याद आ जा रही है बार बार सी आई डी के ए सी पी सुन के चलिए इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड इज अरेंज चलो अरेंज कर दिया पहला काम तो हमने भाई कर दिया लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया अब क्या करना है पहले और दूसरे लेटर को इंटरचेंज कर दो ठीक है इन दोनों को इंटरचेंज किया क्या आया हैस yes. ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड है क्या अब पेन मत यूज करो ऐसे ही देख लो ये क्या बन जाएगा ई आर पर ठीक है लिख दू पे। कंफ्यूज मत होना बस पर ये क्या बन जाएगा नेट एन ई टी ये क्या बन जाएगा हैट ये क्या बन जाएगा कैप बहुत सारे मिल गए ना देखिए नेट और कैप कितने बन गए ये हो गए चार वर्ड चार शब्द बन गए हैं तो ये हो गया मोर देन थ्री समझ में आया पर इज अ वर्ड हाँ चलिए नेक्स्ट द सीरीज फिफ्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ दीरीजस्ट सी तो ये हो गए आपके तीन चार पांच ये हो गए आपके तीन चार पाँच और ये हो गए आपके तीन चार पांच डी हो गया आंसर ये नेक्स्ट खाता हम्म तो यहाँ पे मेरे से मेरा सेशन यहाँ तक क्या ही है और इतने ही क्वेश्चन है आज आज हमने करा है एक तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं एक हमने करे हैं यहाँ पे नंबर्स पर आधारित एक सीरीज़ और एक हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी की है अल्फ़ाबेट और नंबर्स वाली कल हम करेंगे और थोड़ी डिफरेंट सी सीरीज और थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे इन क्वेश्चन पे अगैन ये सभी क्वेश्चन आने वाले आर क्लर्क आर पीओ और आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी एग्जाम्स के लिए ठीक है प्री के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे मैम फाइव सेवन वाला क्यों नहीं लिया कौन सा फाइव सेवन कौन सा बोल रहे हैं चलिए फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे यहाँ पे ठीक है थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर शेयरिंग द सेशन सेशन को शेयर करने के लिए और यहाँ पे इतनी संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्लीज़ uh, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़िएगा और कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आई वुड लव टू हेल्प यू मुझे जैसे ही मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस उसे उस, उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी आप सभी के कॉमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और आप सभी के कॉमेंट्स को मैं लाइक भी करती हूँ आप देखते होंगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा क्योंकि उसी से मुझे पता चलती हैं चीज़ें कि आप तक क्या चीज जा रही है और आप क्या क्या और चीजें एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से सोना मैम से थैंक यू एवरीवन इतना सारा Uh, प्यार देने के लिए इतना सारा भरोसा दिखाने के लिए जैसे आपने इस बैच पे भी दिखाया है और यहाँ पे आकर अगर आप मेरे साथ बैठे हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मीन्स अ लॉट फॉर लॉट टू मी ओके यहाँ पे आर आर बी पी ओ क्लर्क यहाँ पर मैं आपको कराऊँगी तीन सौ से ऊपर क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन ये क्वेश्चन बेस्ड क्यों बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव हमारा रहेगा प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ठीक यहाँ पे जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे आज से ही स्टार्ट हुआ है आज कोई चैप्टर नहीं कराया है आज इंट्रोडक्शन कराया है सिलेबस डिस्कस किया है और स्ट्रैटेजी बताई है आने वाले ट्वेंटी डेज़ की आर क्लर्क की पी की भी मैंने उसी में इंक्लूड कर दी है किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है पीओ को कैसे अटैम्प्ट करना है पीओ में क्या गलती नहीं करनी है क्लर्क को कैसे डिफरेंट तरीके से अटैम्प्ट करना है सब चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी ये मैंने बैच भी कम का करा दिया है बस 500 सौ अप्रॉक्स का कुछ है 500 प्लस का कुछ बैच है ये ठीक तो आप इसे जल्दी से इसमें एनरोल नहीं कराया तो करा लीजिएगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और बैंक प्रीमियम बैच बिगिनर टू प्रो भाई ये स्टार्ट हो रही है आपकी सात अगस्त से सात अगस्त मैंने थोड़ा आगे कर दी है डेट सात अगस्त से ये स्टार्ट हो रही है तो जिस जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया जरूर कीजिएगा क्योंकि यह आपकी पहली और भाई आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट क्या रहेगी फाउंडेशन रहेगी बैंकिंग के लिए इसके बाद आपको किसी भी फाउंडेशन की ज़रूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके डायरेक्ट बाद आपको बस मॉक टेस्ट देने और प्रैक्टिस करनी है दैट इज़ इट प्लीज से मैं इन सबकी तैयारी मैं यहाँ पे कराऊंगी आपको ये सभी बैचेस साथ ही साथ अटर ट्वेंटी फोर की और सभी फैकल्टी की बैचेस आपको मिल जाती है बैंक महापैक में बैंक महापैक को मैं आ, बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये एक तो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल रहेगा अलग अलग बैचेस लेंगे आई क्लर्क की भी एस भी आने वाला है आप सभी को पता है आ, नोटिफिकेशन आने का उसका सब जगह हो ही गया है कि आने वाला है बहुत जल्दी तो देखने को इस महीने ही मिलने वाला है आ, उसका भी आप वेट कर रहे होंगे वेट मत कीजिएगा आर क्लर्क प्री और आई क्लर्क प्री की पहले से तैयारी करते रहिए वो एग्ज़ाम आपका आएगा और आप उसे भी निकाल निकाल लेंगे ठीक यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है बैंक महापैक में चार हज़ार से ऊपर टेस्ट सीरीज मिल जाती है और यहाँ पे ई बुक्स मतलब से प्री से इंटरव्यू तक की तैयारी पूरी आपको यहाँ पे ही मिल जाती है अलग अलग टीचर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट पे आपका जिससे मन करता है आप उससे पढ़ सकते हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ बैंक महापैक कूपन कोड लगाइएगा वाई चार सौ चालीस तो आपको मिल जाएगा हर एक बैच पे भी डिस्काउंट और अगर आप बैंक महापैक पे लगाएंगे तो इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा सेवेंटी का वाई सोना मैम का कोड है मतलब मेरा कोड है ठीक है और इसके थ्रू अगर आप एनरोल कराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि खुद में वर्थ लगता है है ना दैट यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड आई एम डूइंग गुड तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कल इसमें नाम देख के साथ ही साथ आरबी क्लब प्री की और मेन्स की Uh, अगर टेस्ट सीरीज़ आपके पास नहीं है तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं अड्डा के स्टोर से अड्डा ट्वेंटी के स्टोर से और मैं आपको रिकमेंड तो वही बैंक प्राइम टेस्ट पैक करती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है इतने सारे मॉक टेस्ट देने हैं कहाँ से दोगे भाई मॉक टेस्ट होने भी तो चाहिए अड्डा ट्वेंटी के मॉक टेस्ट में जो रीज़निंग है वो आपको सिमिलर मिलेगी आपको जैसे एग्जाम में एग्जाम में जो मिलने वाली है सेम आपको मॉक टेस्ट जैसी मिलेगी तो वो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का हर एक मॉक टेस्ट आप आरआरबी क्लर्क प्री का लगा के जाना क्लर्क के एग्ज़ाम से पहले और हर एक का ठीक सीरीज के लिए या फिर कोई भी बुक लेने के लिए वाई चार सौ चालीस के आगे एस लगा लीजिएगा तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और 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 ठीक है बैंक महापैक प्लस में रेगुलेटरी बॉडीज भी आ जाते हैं बॉडीज़ के एग्जाम्स भी आ जाते हैं बैंक महापैक प्लस में और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बस अब आपसे एक ही बात बोलूँगी भाई ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस तभी तो पता चलेगा हमारे आने का और हर एक नोटिफिकेशन रिजल्ट की अपडेट और एस बी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी अपडेट भी आप तक तभी आएगी जब आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और कोई दिक्कत कुछ आ जाएगी नूपुर आपकी बुक बहुत जल्दी ठीक है ओके okay. क्लास टाइमिंग फिर से बता देती हूँ मैं दोपहर एक बजे एक से दो यहाँ पे हम क्या करते हैं मॉक टेस्ट लगाते हैं किसका आर आर बी क्लर्क प्री का मॉक लगाते हैं रोज एक से दो और यहाँ पे मतलब कि हर टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनाते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और यहाँ पे आप मौक देंगे और 10 बजे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं चलिए ठीक है थैंक यू एवरी वन गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स और जल्दी से बस पढ़िए और ये जो 20 दिन है इन्हें ऐसा बना दीजिए कि इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए और जनवरी तक आपकी जॉब लग जाए थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर शेयरिंग द सेशन गुड नाइट